धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम चौक में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जो लाल जी टंडन की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के चलते जो बारात यहाँ से होली के मौके पर निकलती है वो कहीं ना कहीं फीकी नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, लाल जी टंडन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ ये बारात निकाली गई है। यहाँ पर ऊंट और घोड़े ये सभी के सभी जो है वो मौजूद हैं। साथ ही साथ जो है वो ये होली का पर्व यहाँ पर मनाने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को बुलाया गया है। हालांकि इस बार जो है वो कहीं ना कहीं भीड़ का अभाव है, आज इस बार कोरोना वायरस के चलते भीड़ नहीं है। फिर भी ऊंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊंटों से डीजे लगी हुई गाड़ियाँ हैं, इन्हीं सबसे जो है वो बारात यहाँ पर निकाली जा रही है और तमाम लोग यहाँ पर जमा भी हैं। व्यापार मंडल की तरफ से ये कार्यक्रम होता है। ढोल नगाड़े भी मौजूद हैं, ढोल नगाड़े भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप बजा रहे हैं लोग, और साथ ही साथ सभी लोगों का जो है वो स्वागत भी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हालांकि जो जनसैलाब हर बार होता था वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के चलते इस बार कम है, लेकिन जो परंपरागत ये बारात निकाली जा रही है, जो ये जो जुलूस निकाला जा रहा है ये आज भी निकाला गया है, और इसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पहुंचे हैं और तमाम इस क्षेत्र के जो सम्मानित लोग हैं वो इस उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और ये परंपरागत तरीके से कार्यक्रम आगे भी बढ़ेगा। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। आज होली की हमारे पूरे प्रदेश को शुभकामनाएं, उत्तर प्रदेश की महान जनता को खास तौर से मेरी शुभकामनाएं कि इस उत्तर प्रदेश की तरक्की हो, समृद्धि हो। योगी आदित्यनाथ जी के सबल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के चरम बिंदुओं को छुए, पूरे भारतवर्ष का सिरमौर विकास और औद्योगिक उन्नति के मामले में बने, यहाँ के लोगों की आमदनी दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़े। और सबसे मैंने अपील की है कि हम लोग गले मिलने के बजाय नमस्ते करें, हम लोग एक दूसरे को बजाय रंगों को लगाने के केवल गुलाल का एक टीका मात्र लगा दें, इसकी अपील की है। फूलों को ले लें।